यहाँ पे क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। तो यहाँ पे देखो केस क्या हो सकता है, एक ये केस ये वाली इस तरह से अगर हम सोचें कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, लाइन मेरी इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है, मतलब इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस मतलब जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी, तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, तो दिस एंगल विल बी 45। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। ठीक है, तो जो मेरी लाइन है उसका मैं ये तो श्योरली कह सकता हूँ कि स्लोप कितना होने वाला है, टेन 45 विच इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन ही क्यों बनाई, ऐसी लाइन इसलिए बनाई ये दो पॉइंट हमें दिख रहे हैं 1, -2 एंड 3, -4, तो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी जो यहां से इनके मिड पॉइंट से पास हो रही होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी, बेसिकली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस वाली लाइन का। किस वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो ये वाली लाइन है ये, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है क्वेश्चन, ये जो रेड वाली लाइन है यही होगी, तो ये इससे भी इक्विडिस्टेंट और इससे भी इक्विडिस्टेंट होगी। तो अब हमारा एम ये है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालना, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप पता है इसका 1 है। ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 1, -2 एंड 3, -4 ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है इसका अगर आप स्लोप देखते हो तो कितना आने वाला है, -2 + 4 / 1 - 3 विच इज -1। तो इस वाली लाइन का अगर स्लोप -1 है, ये जो येलो मार्कर से लाइन बनाई है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी 1 है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप 1 है और वो पास कहाँ से हो रही है, यहाँ से, इन दोनों के मिड पॉइंट से। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम, क्या आने वाला है, 1 + 3/2 - -2 - 4/2 विच इज 2, -3। तो 2, -3 से पास हो रही है और स्लोप 1 है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y + 3/(x-2) = 1, y - y1/(x-x1) = स्लोप, तो y + 3 = x-2, तो ये क्या हो जाएगा, x - y आएगा, x - y = 5। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन।